मशहूर चित्रकार राजन मालूजा, जो अपनी चित्रकला और अद्भुत कला शैली से सबका मन मोह लेते हैं, उनके चित्रों में अद्भुत सामंजस्य रंगों के अद्भुत सृजन देखने को मिलते हैं। वह ज़्यादातर व्यक्ति विशेष के पोर्ट्रेट, मॉडर्न आर्ट, आधुनिक कला, भक्ति चित्र, डिवोशन पेंटिंग तथा प्रकृति से संबंधित चित्रों को अपनी चित्रकला में उतारते हैं। राजन से उनके चित्रकला के बारे में हमारे प्रयागराज संवाददाता सनी केसरी ने जानने की कोशिश की। राजन अपने बचपन से ही कला, चित्रकला तथा रचनात्मक क्रियाकलाप करने के शौकीन थे। वह कहते हैं कि जब वह स्कूल से आते थे, सभी कामों को छोड़कर अपने नवीन चित्र के बारे में सोचा करते थे और बाद में उसी सोच को अपने चित्र में उतारने की कोशिश करते थे। राजन ने बताया कि उनकी रुचि बचपन से ही एक पत्रकार बनने की थी, इसलिए उन्होंने कक्षा 12वीं के बाद बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स का कोर्स राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर से किया। उनको बच्चों को कला सिखाने की बहुत शौक था, इसलिए जब वह कॉलेज से आते थे तो अपने खाली समय में बच्चों और बड़ों को चित्रकला दिखाया करते थे। सन 2015 में उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया और उसे राजन मालूजा का नाम दिया, जिसमें उन्हीं के सिखाए हुए लड़के लड़कियां उनके साथ कला क्षेत्र में संलग्न रहते थे और वह दूसरों को भी आगे बढ़ने का मौका और जज्बा प्रदान करते हैं। उनका कहना है कि वह आध्यात्मिक रुचि के व्यक्ति हैं, इसलिए वह अपने खाली समय में साधना, ध्यान, योग और गीता पर ज़्यादा ध्यान दिया करते हैं। राजन ने बताया कि किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में बैलेंस करके चलना चाहिए, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों पर, जिससे व्यक्ति अपने जीवन को सुंदर और खुशहाल बना सके। उनका यह भी कहना है कि उन्होंने यह मुकाम पाने में बहुत ही संघर्ष किया और एक अच्छा चित्रकार बनने के लिए आज भी वह अपने काम को लेकर बहुत ही दृढ़ और कृतसंकल्प हैं। राजन ने लॉकडाउन के समय पर ऑनलाइन के दौरान लोगों को चित्रकला सिखाने का मौका दिया। राजन ने कोरोना के बारे में जनता को संदेश देते हुए कहा, हाय फ्रेंड्स, मैं राजन मालूजा अपनी तरफ से आप सभी को राम राम, दुआ सलाम, सत श्री अकाल। आज मैं आपके समक्ष अपने जो दो शब्द रखना चाहता हूँ, जो कि कोरोना के ऊपर हैं। हमारी जो मौजूदा सरकार है, जो चुनिंदा सरकार है, जो उन्होंने शुरुआती कदम उठाए हैं, वो काबिले तारीफ है, सराहनीय है। और कई लोग ये चीज़ को बोलते हैं कि सरकार ने लॉकडाउन लगा करके क्या किया, तो शुरुआती कदम क्या है सरकार के, उन्होंने लॉकडाउन लगाया और एक सही समय पर लगाया। तो कई लोग जो हैं बोलते हैं, जो विपक्ष में बैठे हैं, वो ये चीज़ को बोलते हैं कि सरकार ने क्या किया या लॉकडाउन लगा करके क्या हुआ, संक्रमित आंकड़े तो बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इससे पहले लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत ही क्या थी। क्योंकि लॉकडाउन लगाने का मतलब है, लॉकडाउन लगाया तो उसमें जैसा जैसा बताया कि हाँ, जो साइंटिस्ट ने बताया कि भाई इसके जो है आंकड़े जो हैं वो धीरे धीरे जो है वो कम होते जाएंगे। तो मैं उन लोगों को ये चीज़ को बोलूँगा कि लॉकडाउन लगाया ही है तो इससे हम अवेयर हो चुके हैं कि अगर हम 2 महीने घर पे बैठे हैं तो हमारे को पता है कि बाहर एक वैश्विक महामारी जो है वो फैली हुई है और इससे हमें कैसे बचना है। तो सरकार ने आपको अवेयर कर दिया इस चीज़ के लिए कि बाहर मत निकलिए क्योंकि महामारी फैल रही है। और अब जो लॉकडाउन खोला है वो आपको पहले अवेयर कर दिया उन्होंने, अब ये तो है नहीं कि ये चलता जाएगा, आपको पहले अवेयर कर दिया कि महामारी फैल रही है, उसके लिए आपको काफ़ी टाइम भी दे दिया क्योंकि अब इतनी जल्दी तो दवा आने नहीं वाली मार्केट में बाहर, तो आपको अवेयर कर दिया उन्होंने। अब वो जो है इकनॉमी की गाड़ी को भी चलाना है, इकनॉमी का जो पहिया है उसको भी चलाना है, तो अब जो है उन्होंने आपको अवेयर कर दिया। अवेयर क्या किया कि आप अपनी गाड़ी भी चलाइए लेकिन प्रिकॉशंस के साथ भी जो है अपना भी ध्यान रखिए। वो कैसे होगा, मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी बना करके रखिए और अपना काम वगैरह जो है वो करते रहिए। लेकिन मैं इसमें जो विपक्ष है उसको भी ये चीज़ कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो संवेदनशील मुद्दे होते हैं, जो राजनीति से हट कर के होते हैं। आपको प्लीज़ बहुत ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि राजनीति करने के लिए, सरकार की टांग खींचने के लिए बहुत ऐसे मुद्दे मिलेंगे, लेकिन प्लीज़ इसमें आप जो है सरकार के साथ, जनता के साथ कंधे से कंधा मिला करके सरकार की मदद कीजिए, क्योंकि ये मानवीय मुद्दा है, ये राजनीति करने का मुद्दा नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। प्रतिपक्ष संवाद के लिए विनोद जोशी की रिपोर्ट। Stay home, stay healthy. Issued in public safety by Himalayan Institute of Technology and Management, Lucknow.